सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 5.60 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 5% के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 117.90 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक वनवे रैली देखने को मिली जहां पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया 131 रुपीज पर। स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक ने नीचे के एक सपोर्ट लेवल बनाया 103 रुपीज के प्राइस को स्टॉक रीटेस्ट करता है और जब स्टॉक 103 रुपीज पे था तो स्टॉक में एक डिमांड जोन देखने को मिली और यहाँ से स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पीछे के कई दिनों से देखें तो इस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी देखने को नहीं मिल रही है, परंतु स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए 110 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 140 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज 131 रुपीज जो कि इस स्टॉक का हाई है। जैसे स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देता है स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी रैली बनती हुई नजर आएगी और स्टॉक का नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है 103 रुपीज। जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।